पखांजूर गेंद सिंह भवन में भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय जिला प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह वर्ग 17 जून से 19 जून तक चलेगा। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विक्रम देव उसेंडी, जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया, जिला महामंत्री ब्रिजेश चौहान द्वारा भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर किए। सत्र के आरंभ में वंदे मातरम गीत गाया गया और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वहीं जिला महामंत्री ब्रिजेश चौहान ने कहा कि संगठन की आत्मा उसकी कार्यपद्धति होती है। बिना कार्यपद्धति को जाने आप संगठन को नहीं चला सकते। इसलिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने, उनमें आत्मविश्वास जगाने समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इससे व्यक्तित्व विकास होता है। इस कार्यक्रम में भाजपा के सभी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो प्रशिक्षण शिविर हमारा जो करता है, हमारे एक भारतीय जनता पार्टी में काम करने का हिस्सा है। बीच बीच में कार्यकर्ताओं को अपनी रीति नीति सिद्धांत में काम करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है और इसीलिए अनुशासन की पार्टी अगर किसी को माना गया तो भारतीय जनता पार्टी को माना गया है। इसलिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के भरोसे अपने मनोबल को बढ़ा करके रखने के लिए, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा करके रखने के लिए, लगातार काम करने की इच्छा शक्ति पैदा कैसे हो इसलिए काम करने के लिए ये प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने प्रतिबद्ध करने के लिए और तत्परता से कठोरता से भारतीय जनता पार्टी में रहने के लिए ये प्रशिक्षण का वर्ग लगाया जाता है। आज ये जिला स्तरीय प्रशिक्षण हम सब लोगों का पखांजूर में 3 दिवसीय शुरू है। इसके पहले भी प्रदेश में और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण हमारा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण का एक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को बीच बीच में प्रशिक्षण की जरूरत होती है और विभिन्न विषयों पर विषय वक्ता आते हैं, अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के विषय में देश की स्थिति क्या है, देश की राजनीतिक स्थिति क्या है, ये सारे विषयों पर प्रशिक्षण की विषय वस्तु हमारे यहाँ होती है और ऐसे 12 से 15 विषय हैं जिस विषय पर लगातार 3 दिन तक विषय वक्ता अपने विषय का प्रतिपादन करने वाले हैं।